हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव परचेजिंग के उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसका मीनिंग वापस से देख लेते हैं। सिर्फ मैं आपको वर्बली सुनाऊंगी। परचेजिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मटीरियल मैनेजमेंट। परचेजिंग मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सम एक्सटर्नल एजेंसीज। द ऑब्जेक्ट ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट इज टू अरेंज द सप्लाई ऑफ मटीरियल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस और सेमी फिनिश्ड गुड्स रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस द डिजायर प्रोडक्ट फ्रॉम सम एजेंसी और सोर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स ये डेफिनेशन हमने देख ली थी। क्लियर है यहाँ पर? Purchasing an enterprise has now become a specialized function. It was an experience that by giving the purchase responsibility to specialists, the firm can obtain greater economic in purchasing. Moreover, purchasing involves more than 50% of capital expenditure budgeted by the firm. चलिए इसके हम objective की बात करते हैं। Objective को start करते हैं। सबसे पहला जो हमारा objective रहेगा वो आज का ये रहेगा, to pay reasonably low price for the best value obtainable negotiating and executing all company कमिटमेंट। यानी हम एक बार वापस से रीड करते हैं, टू पे रीजनेबली लो प्राइस फॉर द बेस्ट वैल्यू ऑब्टेनेबल नेगोशिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑल कंपनीज कमिटिंग। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके उत्पादन की जो आपकी क्रियाशीलता है या फिर निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए आप अपने प्रोडक्ट की, ये था हमारा सबसे पहला। सेकेंड वन है हमारा टू कीप इन्वेंट्रीज as low as is consistent with maintaining production. Then third one is to develop satisfactory source of supply and maintain good relation with them। यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमारा जो सोर्स है सेटिस्फैक्ट्री उसको डेवलप करना है। किसके सोर्स को? सप्लाई और मेंटेन, और उनके साथ हमको अच्छे रिलेशन बनाने हैं। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा to secure good vendor performance including prompt deliveries and
एक्सेप्टेबल क्वालिटी। देन इसके बाद टू लोकेट केट न्यू मटेरियल और प्रोडक्ट्स एज रिक्वायर्ड। द नेक्स्ट वन इज टू डेवलप। ये बहुत ईजी से है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। टू डेवलप प्रोसीड्यूर्स टुगेदर विथ एडिक्वेट कंट्रोल एंड परचेजिंग पॉलिसी। देन उसके बाद नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट such program as value analysis, cost analysis, and make or buy to reduce cost of purchase। चलिए इसके बाद के जो तीनों हैं वो हम एक बार के लिए डिले यहीं रखते हैं। पहले हमने जो ऊपर नोट डाउन किए हैं उनको समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहला है टू पे रीजनेबली लो प्राइस फॉर द बेस्ट वैल्यू ऑब्टेनेबल नेगोशिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑल द कंपनी कमिटमेंट्स। यानी कि उत्पादन की जो क्रियाओं की जो निरंतरता है उसको बनाए रखने के अभाव में कार्य अवरुद्ध न हो सके, संस्था को किसी प्रकार की लॉस न हो, इसके लिए दिया जाता है, इसके लिए इस परचेसिंग को हायर किया जाता है। टू कीप इन्वेंटरी एज लो एज कंसिस्टेंट विद द मेंटेनिंग प्रोडक्शन। लो प्राइस पर हमको इन्वेंटरी को कीप करना है, रखना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका टू डेवलप सेटिस्फैक्ट्री सोर्सेज ऑफ सप्लाई। हमको क्या करना है, सेटिस्फैक्ट्री जो सोर्सेज है सप्लाई के उसको डेवलप करना है और उनको मेंटेन करते हुए उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। देन उसके बाद टू सिक्योर गुड्स वेंडर प्रोग्राम इंक्लूडिंग प्रॉम्प्ट डिलीवरीज एंड एक्सेप्टेबल क्वालिटीज। हमको ये सिक्योर करना है वेंडर जो हमारा जो भी आपका ओनर है, जो भी आपका संपत्ति का मालिक है, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्लूड करते हुए हमको अपनी डिलीवरीज और हमारी जो क्वालिटी है वो बेटर और बेस्ट देनी है। फिर है टू लोकेट न्यू मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स एज रिक्वायर्ड। जब भी कस्टमर की डिमांड आती है हमको क्या करना है, नए मटेरियल और नए प्रोडक्ट्स की खोजबीन करनी है, लोकेट करना है, ढूंढना है उनको। देन इसके बाद टू डेवलप गुड प्रोसीड्यूर टुगेदर विद द एडिक्वेट कंट्रोल एंड परचेसिंग पॉलिसीज। यानी कि हमारी जो भी परचेसिंग पॉलिसीज है टू डेवलप गुड प्रोसीड्यूर, यानी हमको डेवलप क्या करना है, अच्छे प्रोसीड्यूर को डेवलप करना है और साथ ही अच्छे कंट्रोल और अच्छी जो परचेसिंग की पॉलिसी है उसको डेवलप करना है। देन इसके बाद आता है हमारा कि टू इम्प्लीमेंट सच प्रोग्राम एज वैल्यू एनालिसिस। हमको कैसे प्रोग्राम को लागू करना है यहाँ पर, वैल्यू एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस और मेक और बाय टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ परचेस। हमारी जो परचेस की कॉस्ट है उसको हमको कम करना है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसके लिए क्या है, परचेसिंग को लगाया जाता है, परचेसिंग को लिखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये है सारे परचेसिंग के ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है टू मेंटेन एज इकोनॉमिकल अ डिपार्टमेंट
a department as is possible good performance यानी हम क्या है सकते हैं कि हमको मेंटेन करना है जितना पॉसिबल हो सके इकोनॉमिकल हमको मेंटेन रखना है और अपनी गुड परफॉर्मेंस वहाँ प्रेजेंट करनी है. देन उसके बाद आता है टू कीप द टॉप मैनेजमेंट informed of material development which could affect company प्रॉफिट और परफॉर्मेंस. यानी हम कह सकते हैं टू कीप द टॉप मैनेजमेंट इन्फॉर्म ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट, हमको अपने टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करके रखना है मटेरियल डेवलपमेंट के बारे में, विच कुड अफेक्ट कंपनी प्रॉफिट, जो कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकते हैं. तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव परचेसिंग के, कि परचेसिंग करने के उद्देश्य क्या है, क्रयण के उद्देश्य क्या है. तो ये सारे जो तीन स्लाइड में बने हुए हैं ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स. आइए अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं. चलिए सबसे पहला इम्पोर्टेंस हम पहले हेडिंग डाल देते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ परचेजिंग. ठीक है, चलिए सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है परचेजिंग फंक्शन provides material cost is equivalent sorry by mistake x provide material, ये सेकेंड में लिख देंगे इसको हम, to the factory without which wheels of machine cannot move. यानी कि परचेजिंग फंक्शन प्रोवाइड मटेरियल टू द फैक्ट्री विदाउट विच व्हील्स ऑफ मशीन कैन नॉट मूव. यानी हम कह सकते हैं कि क्रय कारखाने की सामग्री प्रदान करता है क्रयण, जिसके बिना मशीनों के पहिए नहीं चल सकते. यानी कि एक फैक्ट्री में हम जब अपनी मशीनों को सामग्री वो मटेरियल प्रोवाइड करता है जिसके बिना मशीनें चल नहीं सकती. ठीक है, सेकेंड हमारा इम्पोर्टेंस है A 1% saving in materials cost is equivalent to be a 10% increase इन टर्नओवर. एफिशिएंट बाइंग
कैन अचीव दिस। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सामग्री लागत में कि 1% सेविंग इन अ मटेरियल कॉस्ट इज इक्वलेंट टू अ 10% इंक्रीज इन टर्नओवर एफिशिएंट बाइंग कैन अचीव दिस। यानी सामग्री लागत में 1% की बचत कारोबार में 10% की वृद्धि के बराबर होती है। अगर हम मटेरियल की कॉस्ट में 1% का अगर सेविंग कर लेते हैं तो वो हमारे जो बिजनेस का टर्नओवर हुआ है उसमें 10% का इंक्रीमेंट लाता है। यानी कुशल खरीदारी इससे हासिल कर सकते हैं कि जब तक हम परचेसिंग सही से नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रॉफिट सही नहीं होगा। यानी हमको जब मटेरियल खरीदना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, परचेसिंग सही से करनी है। देन उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। देन थर्ड है हमारा purchasing manager is the custodian of his firm's is first as he spend more than 50% of his company's earning on purchase। अब इस पर बात करते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है कि क्रय प्रबंधक अपनी फर्म के पर्स का संरक्षक होता है। यानी कस्टोडियन, कस्टडी होती है किसकी, फर्म का जो पर्स होता है उसकी कस्टडी किसके पास होती है, परचेसिंग मैनेजर के पास। वो क्योंकि वह अपनी कमाई का 50% से ज़्यादा अधिक खर्च करता है, क्योंकि वह अपनी कंपनी की कमाई का 50% से अधिक खरीद पर खर्च करता है। क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। चलिए फोर्थ क्या कहता है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ कहता है कि इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ वन्स रिक्वायरमेंट्स आर नाउ bought instead of being made as was the practice in the earlier डेज। यानी हम कह सकते हैं कि पहले के दिनों में प्रथा के रूप में किसी आवश्यकताओं को बढ़ता अनुपात अब बनने के बजाय खरीदा जाता है, इसलिए खरीदना महत्व रखता है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हमारा परचेजिंग कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्पोर्ट substitution and save foreign exchange। जो हमारा purchasing है वो contribute करता है किसमें, import substitution में और हमारी save करने में, foreign exchange को save करने में। clear है यहाँ पर। फिर है हमारा next, purchasing is the main factor in timely execution in industrial product। main factor कौन सा है purchasing जो है क्रय औद्योगिक परियोजना के समय पर निष्पादन में खरीद मुख्य कारक रखती है। यानी जब हम purchasing किसी execution industrial product में execution हो रहा है तो वहाँ पर important factor क्या होता है, purchasing। अगर हम टाइमली रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं तो जिससे हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जल्द से जल्द शुरू हो सकता है, और इस वजह से परचेसिंग वहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी गई है। इंडस्ट्रियल किस में मानी गई है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में।
ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मटेरियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट नाउ हैव इन्वॉल्व्ड आउट और परचेजिंग डिपार्टमेंट्स। क्लियर है? यहाँ पर ये क्या कहता है कि सामग्री प्रबंधन संगठन को जो अब मौजूद है वे विकसित हो गए या विभाग खरीद ले। जैसे अदर्स में आप देखेंगे, अदर्स में हम बात करते हैं, अदर फैक्टर्स की हम बात करते हैं, तो उसमें है हमारे सबसे पहला युद्ध के बाद की कमी, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट्स में, देखिए पोस्ट वॉर शॉर्टेज, ठीक है। फिर सेकेंड में हम लिख सकते हैं हैवी कॉम्पिटिशन। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारी परचेजिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। फिर थर्ड हम लिख सकते हैं साइकिलिंग स्विंग, जिससे भी हमारा मार्केट इफेक्ट होता है। तो इस तरह से ये थे हमारे क्रयन के महत्व, यानी कि देखो इसमें आदर्श में हम ये भी लिख सकते हैं कि वांछित किस्म की सामग्री की अधिप्राप्ति करने के लिए, क्रयन की कॉस्ट कम करने के लिए, हम अपने मटेरियल की कॉस्ट कम चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, जिससे कम टाइम में, कम समय, सही समय में और कम कीमत पर हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल गेन कर सकते हैं। फिर है कंपटीशन ज़्यादा है तब हम ये कर सकते हैं। फिर है उत्पादन प्रवाह में अगर रुकावट को रोकना है तो, या फिर ग्राहकों के सेटिस्फेक्शन और अपनी कंपनी की जो गुडविल है उसको गेन करने के लिए, और हमारे मटेरियल का रिपीटेशन नहीं हो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो क्लियर है, ये थे हमारे इम्पोर्टेंस। देखिए इम्पोर्टेंस में ये हमने नोट किए यहाँ पर, ठीक है। तो आज हमने इसके इम्पोर्टेंस और इसके ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस किया है। ये ऑब्जेक्टिव थे और ये देखिए ये तीनों स्लाइड में ऑब्जेक्टिव है और इस तीनों स्लाइड में क्या है, हमारे इम्पोर्टेंस। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस और हमारे ऑब्जेक्टिव का, वो यही ख़त्म होता है। कल हम इसके टाइप्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, टाइप्स क्या होते हैं, इसके मेथड्स क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, आज की क्लास यहीं ख़त्म हो रही है। थैंक यू।